राम बाबू की खासियत है गर्मा गर्म पकौड़ी। इनकी दुकान पे आप जाइएगा और गर्म गर्म पकौड़ी मांगिएगा तो ये सीधे अपने हाथों से कढ़ाई से निकाल के आपको खिलाएंगे पकौड़ी। इनका हाथ भी नहीं जलता। चलिए हम दिखाते हैं राम बाबू को कि ये कैसे निकालते हैं गर्मा गर्म पकौड़ी कढ़ाई से। चौक के आगे मीरगंज तिराहे पर राम बाबू लगाते हैं अपनी पकौड़ी का ठेला। जैसे कोई गाय गाय भैया गरम दे हमको तो उनको हम हाथ से निकाल दे देते हैं। ये लीजिए साहब आप, तो कहते नहीं अरे ये आप हाथ तो नहीं जला आपका, हम कहते नहीं हाथ नहीं जला। और गरम हर गाय गरम ही पकौड़ी मांगते हैं तो उनको गरम देना पड़ता है। नहीं कभी आज तक हाथ हमारा नहीं जला है। एक कम कम 200-250 बार सैकड़ों बार हो जाता है, कम हम 50 बार में तो फर्क नहीं है। राम बाबू ये डाले हैं एक बार और बोलिए साहब ये कल आएगा? कै बजे? कल सुबह आएगा। सुबह तकरीबन 10 के बाद और रात में 10:30 के बाद आएगा। ये क्या नंबर सारा इंडिया वाले लाइव इंडिया अरे मिलना मिलाना वो बताइए हमें क्या हमें मिलेगा। ठीक हो रही है भैया? अरे वो तो ठीक है। मेहरबानी जान जाए जाए हमें उठा के अरे खिलाफ पूरी कभी गई ये देखिए आइए रजा मीडिया वाले तुम्हें हाईलाइट करे में लग गए। देश विदेश पकौड़ी जाना चालू हो गया भैया। अमेरिका वाला मांग रहा 250। एक बार और बोलिए हम साहब जो 20-25 साल से दुकान लगाते हैं यहाँ और गाय जैसे कभी मांगे कि हमको गरम दो तो हम ना हाथ से निकाल करें तो गाय घबरा जाते हैं कि आप गरम तेल में हाथ डाल दिए तो हम कहते नहीं साहब जलता नहीं, हमको इतना एक्सपीरियंस है और दिन भर में कम से कम 100-150 बार तो हाथ डालते ही रहते हैं। तेल से आप जले नहीं? नहीं जल जलता क्या गर्म होता है मगर फिर उसके बाद कोई छाला लाला को नहीं ना जलता हमको।
आज तक न मेरा कोई छाला पड़ा। हम हमेशा यहाँ आते हैं और इनकी 10-15-25 रुपए की पकौड़ी हमेशा ही खा जाते हैं। और यहाँ पे बहुत से लोग आते भी हैं, गांव दूर के देहात के लोग भी, तो लोग भी पकौड़ी हमेशा खाते हैं यहाँ पर। इनकी पकौड़ी बहुत अच्छी भी रहती है। भाई की दुकान है, इनकी पकौड़ी बहुत टेस्टी है। बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े गाँव के लोग आके खाते हैं। तभी कभी क्या कोई भी दुकानदार इनसे कहता है कि भाई हाथ से पकौड़ी निकाल के हम दिखाओ, तो ये हाथ डाल देते हैं। इनका इतना अभ्यास हो चुका है कि ये डाल देते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी से अपने बच्चों का अपना ही जीवन पालन करते हैं। ये सामने गुड़ की मंडी में रहते हैं, मैं भी यहीं का दुकानदार हूँ। कन्हैया जी।